पिछले दिनों कुछ पथराव वगैरह की बात आ रही थी मजदूरों संघर्ष में, क्या था पूरा घटना? ये रेणु सागर में इनका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 1 तारीख से कुछ संविदा कर्मी 100 के करीब ये लोग अपनी कुछ मांगों को लेके धरने पर बैठे हुए थे। इसके खिलाफ इनके जो मैनेजमेंट ने सिविल कोर्ट में अपील करी थी और सिविल कोर्ट ने इसमें ये आदेश जारी किया था कि कोर्ट इनके प्लांट परिसर के 100 मीटर रेडियस में किसी भी तरीके का धरना या प्रदर्शन अलाउ नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति इनकी जो प्लांट की जो गतिविधियां हैं इनके जो भी वहाँ कार्य होते उसको बाधित नहीं करेंगे। तो हमने CO पिपरी के माध्यम से और SDM के माध्यम से हमने जो भी लोग धरना पे बैठे थे उनके जो लीडर थे उनको कोर्ट का आदेश की कॉपी हमने उनको उपलब्ध करा दी थी और उनको बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इनका जो धरना है उसको कोर्ट ने अवैधानिक घोषित किया है और वो प्लांट के परिसर से हट जाए, उसको खाली कर दें। हालांकि काफ़ी समझाने के बाद भी जो धरना दे रहे थे वो लोग इसके लिए सहमत नहीं हुए और कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 9 तारीख को पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी वहां पे गए थे और जो धरना दे रहे थे उनको 151 में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके एकाध घंटे बाद वहां के कुछ स्थानीय संविदा कर्मी और कुछ आपराधिक तत्वों ने प्लांट परिसर में घुस गए, करीब 250-300 की संख्या में ये लोग थे और इन्होंने वहाँ पे भारी पथराव किया और वहाँ तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित करी और 3 व्हीकल को इन्होंने फूंक दिया और पुलिस बल पे भी भारी पथराव किया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए और हमारे कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं और जो भी घटनाएँ तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना हुई है उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस अधिकारियों के कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ CCTV फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ है और मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें कंप्लेंट मिली है, उसमें भी FIR दर्ज है।